दोस्तों नमस्ते। तो भाई आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत नवरात्रि चल रहे हैं यहाँ। शायद चौथा या पांचवा नवरात्रा है। कौन सा है? पांचवा नवरात्रा है। तो सभी को शुभकामनाएं। तो भाई नवरात्रि की पूजा चल रही है। ये देखे भाई सारे भगवान जी पे बैठे हुए हैं। हाँ सारे भगवान जी। दक्की चप्पल पहन के पहुंच गया था अंदर, और मैं और दक्ष हम जा रहे हैं नीचे दुकान पे ब्रेड लेने। हाँ दक्की बोला कि मुझे कुछ दिला देना। तो भाई मैं कल ऑनलाइन ऑर्डर करना भूल गया था। रात बोला था कि ब्रेड मंगवा देना है, लेकिन भूल गया, दिमाग से निकल गया। पर कोई नहीं, नीचे दुकान है उधर ही सामने, अभी वहीं पे चल रहे हैं मैं और दक्ष। देखते हैं ब्राउन ब्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलो भाई नीचे चल के मिलते हैं आपको। तो भाई अपन की चप्पल रखी है यहाँ पे। ये दक्की अपनी कार लेके जा रहा है। छुपा के नहीं, बस साइड में रख दी थी। इधर दक्की अपनी कार लेके जा रहा है। हमने दरवाजा खोल दिया और ये सामने रही लिफ्ट। दरवाजा हमारा हो चुका है बंद। चलो भाई दक्की लिफ्ट का बटन दबाओ। उधर उधर वाला, उधर वाला। हाँ ये ऊपर ही है लिफ्ट। तो भाई 9th फ्लोर पे ही थी लिफ्ट। ग्राउंड फ्लोर पहुंच चुके हैं हम। और भाई आजकल फूल बहुत खिल रहा है हमारे यहाँ पे। वाह भाई वाह, नीचे आते ठंडी ठंडी हवा सी लगने लग गई। चलो चलो चलो, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, आ जाओ। हाँ थक गया आप इतनी देर में, पैदल चला तो है नहीं। ये देखो भाई हवा चल रही बहुत बढ़िया। अभी तो हमें वहाँ जाना है दुकान पे। आप थक गए भी सही, 2 कदम भी नहीं चले। लो भाई धूप निकल चुकी है और आज मेरी छुट्टी है। दक्ष की भी छुट्टी है, मन्नू की भी छुट्टी है, सबकी छुट्टी है। मन्नू तो सोई रही है। अच्छा इसलिए लेके आया गाड़ी है। अभी दुकान पे जो है बहुत देर में पहुँचेगा, ऐसे ही खेलता खलाता चला जाएगा। और इधर हमारा भाई बेसमेंट पार्किंग है, जहाँ पे बाइक खड़ी रहती है मेरी। और ये देखो भाई फूल ही फूल। हाँ बेसमेंट नहीं, बेसमेंट। सुबह ही सुबह जो है सुनसान सा हो रहा है क्योंकि धूप निकल चुकी है। हाँ चादी हो रही थी कल भाई यहाँ पे। ये कम्युनिटी सेंटर है भाई, यहाँ पे जो है कॉमन फंक्शन होते रहते हैं, जैसे कि किसी की हल्दी मेहंदी या बर्थडे पार्टी किट्टी पार्टी जो भी है। तो ये देखो भाई सारे में फूल ही फूल खड़े हमारे। तो भैया सामने दुकान है और यहाँ पे और भी सैलून वगैरह टॉयज वगैरह की दुकानें हैं, और इसके साथ साथ बहुत बढ़िया फूल खिल रहे हैं। चलो जी दुकान पे पहुँच गए हम, ब्रेड वगैरह लेके आपसे मिलते हैं फिर। हाँ जी ये देखो सामने दुकान है, बाल कटने की और जो स्टेशनरी वगैरह की है दुकान, वो तो सब अभी बंद पड़ी है। बस परचून की दुकान सामने खुली हुई है। देख के बता रहे खिलौनों की दुकान। लो भाई ब्रेड हमको मिल चुका है ब्राउन। वही सामान हमने ले लिया है और दक्की उधर वाले रास्ते से यहाँ आ गया। बोला था कि डर लग रहा है। तो भाई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा यहाँ से दक्की ये जो छोटा रास्ता है बेबी वाला रास्ता, यहाँ से आ गया। तो वही सुबह की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी तो शुरुआत हो ही गई है क्योंकि गर्मियों के दिन आ ही रहे हैं। हाँ जी अच्छा, मुझे देखते देखते आ गए आप। तो भाई हमारे यहाँ की सोसाइटी आप देख ही रहे हैं, पहले भी आपको कई बार दिखा चुके हैं हम। ये देखो पीले वाले फूल कितने मस्त हैं, मस्त फ्लावर है भाई, मस्त फ्लावर। हाँ देखी बोल रहे देखो कितने सारे हैं गाइस फूल। ये कल पार्टी थी ना यहाँ पे। हाँ तो ये तंदूर की रोटी वाली वो है भट्टी, तो यहाँ पे पार्टी वार्टी थी भाई कल उसकी मेहंदी की। इधर से आ जाओ। हाँ ये चल दिया यहाँ पे भट्टी तंदूर की। अच्छा चला दी इन्होंने, तो इसमें शायद बनेगा वो खाना। इधर से भाई साहब, वो भाई साहब बहुत खतरनाक है। पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो, गंदा है। कपड़े ने अंदर पहुँच जाएंगे हम इसमें, धरती के अंदर पाताल लोक में। अरे गिर जाओगे आप भाई, ये तो वैसे ही खोद रखा।
ये देखो 5-5 दबे हुए यहाँ। लो जी वापिस हम आ चुके हैं लिफ्ट वाले एरिया में, अब बस यहाँ से जाएंगे हम ऊपर। चलो ये है भाई वो पैसेंजर वाली लिफ्ट। लो भाई 9th फ्लोर पे आ गए, फ्लोर 9। हाँ यहाँ पे भी लिखा हुआ है फ्लोर 9। देखो भाई मन्नू जो है अभी तक सो रही है, आज इसकी छुट्टी है ना इसलिए सो रही है अभी तक। अरे आँख तो खोली भाई, खोली खोली खोली। अरे मैडम मन्नू। हाँ चलो भाई हिलगी हिलगी। भाई दक्की भी मेरे साथ नीचे से ऊपर आ गया घूम फिर के, इसने सब गाइज को दिखा दिया कि हम कहाँ कहाँ रहते हैं। हाँ दक्की भी उठ गया था, पहले उठ गया दक्की तो मन्नू से। अच्छा दक्की भाई ये बोल रहा है कि मन्नू मेरे से बहुत सारा गुस्सा होगी क्योंकि मन्नू के लिए हम कुछ लेके नहीं आए चोको पाई वगैरह है ना। आपने याद ही नहीं दिलाया कि मन्नू के लिए भी कुछ लेना है। आपने याद दिला देते, मुझे तो याद नहीं रहा, आपको दिलाना था ना याद कि जब आप अपने लिए ले रहे मन्नू दीदी के लिए भी ले लो। आपको याद दिला दूंगा, कन्नीस में से दे देना एक। क्यों दो दो खाना था, एक खा लेना आज। क्यों? एक दीदी को दे देना फिर दीदी नाराज नहीं हो जाएगी। मैं मन्नू के आता वाला है मेरा। यस गुड बॉय। मन्नू के काम वाला ये मेरा। गुड ब्रदर हो आप, है ना। मन्नू दीदी का ध्यान रखा करो। लो पकड़ लिया। हाँ ठीक है, फूट जाता है ऐसे। फ्रिज खोल रखा था है, रख दो इनको, बंद कर दो फ्रिज को। हाँ ओके ठीक है, चलो बंद कर दो। तो भाई आजकल के बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा दिमाग हो गया, सब कुछ बातें ध्यान रखते हैं। अरे मन्नू कहाँ चली गई भाई, चलो ढूंढते हैं कहाँ है मन्नू। ये आ गई हो, सुबह सुबह नाराज होगी भाई, लुंडी देख अलग ही दिख रहा। क्या हो गया बेटा? हाँ चल देख ले एक बार। वाकई में भाई दक्ष ठीक बोल रहा था कि मन्नू नाराज हो गई। आपके लिए एक है मन्नू, एक हाँ एक आपके लिए। हाँ ठीक है ओके ठीक है। पता नहीं कहा कैसे बजा सी कैसे हो, बंद कर दो ठीक है मन्नू। ए ठीक है नमस्ते, थोड़ा कस्ता दूंगा माँ फिर आपके। अले 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 अच्छा मैं दीदी से को आलकस्ता रहा, कुछ नहीं कह रहा। ये झट मारना शुरू करता है भाई जहाँ कुछ किसी को कहे। रसोई का कुछ ऐसा हालचाल है, ब्रेड हमारे यहाँ पे रखे हैं और कुछ भुन रहा है यहाँ पे। साबुदाना की तैयारी चल रही है जैसे कि व्रत है। बाकी अभी नाश्ता करने का नंबर आ गया, नाश्ता करके मिलेंगे हम आपसे। डक्की की दवाई भी मंगाई हमने हनी टेस्ट, भाई इसको खांसी बहुत ज़्यादा होगी 2-4 दिन से, तो इससे जो है बहुत इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। हाँ सारी बाहर भाग जाती है वो। हाँ ये दिन में 3-4 बार लेनी भाई, 5-5 ml ठीक है। हाँ, पानी पीना है, पानी थोड़ा सा पीना है। हाँ पहले आपको कुछ खाना पड़ेगा इसको लेने से पहले ओके। अच्छा हाँ नहा लेना चलो। अभी टाइम हो चुके हैं 11:30 और धूप हो गई है बहुत बढ़िया वाली एकदम तेज, और धूप में आ रहा है पूरा मस्त वाला हल्कस। कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि गर्मी में ऐसे ही रहते हैं। और मेरे पीछे ये आ रहा है दक्षी महाराज स्पीकर लेके, ये बजा रहा है बजाने वाला स्पीकर। मन्नू को और इनको जाना है बाहर मार्केट में। मन्नू के जूते जो है वो ख़राब हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं, ब्लैक वाले और वाइट वाले फट चुके हैं, तो जूते दिलवा के लाने हैं उसको। उसको बोला है झूठ कि मन्नू को भेज रहे हैं मन्नू के मैडम के पास, उसकी मैडम पिटाई करेगी क्योंकि फिर वो जिद कर रहा था बाहर जाने के लिए, तो वो मान गया है। और अपने पापा को बोला उसने कि वीडियो बना के लाना कि मन्नू की पिटाई कैसे होगी। तो मन्नू बहुत खुश है, जूते 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 कर रही है काफ़ी दिन से, ताकि इसको जूते मिल जाएंगे ब्लैक और वाइट। एक बार फिर उठा लिया इन्होंने ये बैग मन्नू का स्कूल वाला बैग है। यार मैं काम करूं जूते पर आ गए जूते क्यों जूते कहाँ छोड़े होगे?
मुझे वापस घर। तो वो लोग चले गए हैं अभी, और इसमें मैंने बना लिए हैं छोले, तो बना चुकी हूँ। चावल मैं तभी बनाऊंगी जब वो फोन कर देंगे उधर से कि हम चल रहे हैं, क्योंकि गर्म रहेंगे, अभी बना के कोई फायदा नहीं है। दक्षी मुझे बुला रहा है, मम्मी जल्दी आओ, पता नहीं क्या हो रहा है, देखते हैं। चलो आप मुझे बुला रहे थे। अच्छा, ये दक्षी के कप खिलौने जो है ना सूख गए, दक्ष इनको लेके। हाँ, दक्षिण ने बातिंग की थी इनके साथ, तो ये सूख चुके हैं अब। ओके, आप खिलो। तो जी, आ गया हमारा गन्ने का जूस पन्नी में। दक्षी की आ गई है फ्रूटी, तो दक्षी खुश है, खुश हो? बाहर सामान लेके आ गया, और हम ब्लॉग इसलिए नहीं बाहर बना पाए क्योंकि बहुत गर्मी थी बाहर, इसलिए पापा ब्लॉग नहीं बना पाए। और अभी मेरे मतलब मन पसंद खाना बन रहा है, जो कि है छोले भटूरे, मुझे बहुत पसंद है। और अभी हम दक्ष को दिखाते हैं कि दक्ष क्या कितना खुश हो रहा है। अभी आपने फ्रूटी पीना? हाँ, तो उसके बाद फ्रूटी पीना आपने? आप खुश हो ना फ्रूटी पीने के बाद? और पापा अभी मूवी देख रहे हैं। कौन सी मूवी देखते हैं? और दक्ष अब लेट के देख रहा है। हाँ, वैसे कान्हा जी के लिए आज मंगवाए हैं न्यू बर्तन, तो उन्हें पहले धोने हैं, उसके बाद उनमें भोग लगाऊंगी मैं। तो चलिए जी, कान्हा जी को लगा देते हैं भोग। और इधर ये फ्रूटी रख दी बच्चों ने उनके आगे, तो ये है। शाम के बज चुके हैं 5, आज है शनिवार, तो मंडी भर चुकी होगी। चलते हैं मंडी में सब्जियां खरीद के ले आते हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं। और मौसम भी हो रहा है, मतलब मौसम ऐसा हो रहा है कि इस मौसम में मन भी नहीं लग रहा है, चिड़चिड़पन हो रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचा चलो बाहर घूम के आ जाते हैं, क्या पता उससे सही हो जाए, वरना मेरा जाने का मन तो था नहीं। पर मैं चलो देखते हैं, क्या पता बाहर जाके थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, वरना बहुत गुस्सा सा आ रहा है और बोलने का मन भी नहीं हो रहा है। तो चलिए जी, देखते हैं बाहर जाके क्या रहता है। सामान खरीदने के बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं आइसक्रीम का कुछ चखा ले रहे हैं। चोकोपाई खा रहे दोनों। और मौसम भाई बहुत सुनहरा हो गया, अभी अभी हवा चल गई थी, आंधी तूफान है उधर, तो बस निकल रहे हैं यहाँ से। आ गया, चलो जल्दी जल्दी, बहुत ही बात तक रहा हमारे पास लौट पाए। तो भाई हमारा तो खाना पीना हो गया, अब जो है मैडम का नंबर है, बच्चे सामने बैठ गए, और यहाँ पे पिया जा रहा है व्रत का जूस। हाँ भाई, हैं बस इतने का भी पी लो बस। तो ये सब सब्जियाँ लाए हैं हम मंडी से, आलू हैं, टमाटर हैं, खीरे और कद्दू, लौकी वगैरह सब कुछ। और ये हैं कौन है, ये बच्चों को चाहिए थे, मनु ने डिमांड की, तो उसकी तो मनु लेकर आई है शूज स्कूल के। एक तो ये है वाइट वाले, ये है ऐसे ही, इस पे पहले थे ऐसे ही, अब लेकर आई है। तो और दूसरे वाले हैं ये ब्लैक, तो ठीक है ये भी सेम वही हैं, ब्लैक इसके पास ऐसे ही थे जो हमने बेंगलोर से लिए थे, जो हमने ऐसे ही वो थे इसके पास ब्लैक वाले, और ये थे इसके पास वाइट वाले, तो सेम ही लेकर आई है। ये हैं हमारे कान्हा जी के न्यू बर्तन जो मैंने मंगाए हैं, है ग्लास, इस पे कुछ वो बना हुआ है ये छोटा भीम करके, ये दो कटोरी हैं इसमें, और चम्मच है और प्लेट। तो ये कान्हा जी के बर्तन हो गए, ये न्यू मंगवाए थे मैंने, अब इन्हीं में खाना दिया करेंगे, क्योंकि बोलते हैं खाना जी के बर्तनों में खाना खाना नहीं चाहिए हम लोगों को, उनके अलग ही होने चाहिए, तो इसलिए अब मैं इसी में खाना दिया करूँगी, और इसमें हम खाएंगे नहीं, इनका खाना फिर हम मिला लिया करेंगे तो उससे अलग हो जाएंगे। तो जी, ये थी हमारी शॉपिंग जो ये करके लाए हैं। इसके साथ इस ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।